हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि खैरियत से होंगे। तो आज हम नए वीडियो के साथ आ गए हैं, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि पीएफ से आप पैसे कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। तो काफ़ी मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी इस पे वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पे आज एक वीडियो बना देते हैं। सिंपली देखिए, आपको लॉगिन करना होता है, जैसे कि आपको पता है आपका यूएन नंबर होता है, पासवर्ड सब सेट करके आपने ये पोर्टल ऑन किया है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन सर्विस पे जाना होता है और क्लेम फॉर्म 3119 यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको आना होता है और आपके बैंक अकाउंट नंबर आपको लास्ट के यहाँ पे डालने होते हैं, बैंक अकाउंट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप बैंक अकाउंट नंबर डालना होता है और आगे प्रोसेस करना होता है। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कैसे करना है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात बताना चाहूँगा आपको कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको आना है नीचे और यहाँ पे मैं अपना अकाउंट नंबर आप डाल सकते हैं, ठीक है, जो आपने लिंक किया है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखिए अकाउंट नंबर डाला है, यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, यहाँ पे एग्री करना है, यस। नीचे देखिए आना है, यहाँ पे टिक हो गया प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम। तो यहाँ पे आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं, पीएफ एडवांस करके आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए सर्विस में सारा मेरा अकाउंट नंबर है, तो मैं जो लेटेस्ट मेरा अकाउंट नंबर है उससे यहाँ पे मैं विड्रॉ करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा है लास्ट वाला, यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है। ओके, और यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे सेलेक्ट करना है इलनेस। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेचुरल क्लैमिटीज़ है, पावर कट है। ठीक है, तो ये सब रीज़न में ना अगर आप इलनेस सेलेक्ट करते हैं तो आपके चांसेस है कि जल्दी आपको आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है कि आप कितना विड्रॉ। अभी जैसे कि मैं नॉर्मली यहाँ पे 40,000 कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर आप जितना आपका एडवांस होगा बैलेंस आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको और भी इस पर डिटेल्स में वीडियो चाहिए बैलेंस वगैरह पर चेक करना और आपके नॉमिनी अपडेट करना, तो आप मुझे बताइए नीचे कमेंट्स में, मैं आपको इस पर भी वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे हम आज फिलहाल ये जो विड्रॉ के प्रोसेस देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने डाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट आप डाल सकते हैं 10,000, 20,000, जितना आपका बैलेंस है उसमें से आप कितना आपको विड्रॉ करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर 40,000 डाला है। ओके, यहाँ पे आपका लोकेलिटी आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे महाराष्ट्र है मेरा तो मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है जो है मेरा मुंबई है। ठीक है, और यहाँ पे एम्प्लॉय एड्रेस डालना है आपको आपका। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेरा एड्रेस भी डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरे सारे डिटेल्स हैं जो फिल करने होंगे यहाँ पर, और यहाँ पे फिर आपको आपका स्ट्रीट लोकेशन जो भी है वो एरिया डालना है जैसा आपका आधार कार्ड पे अपडेटेड है। और यहाँ पे देखिए सिटी बाय डिफ़ॉल्ट मेरा मुंबई है, तो यहाँ पे मैं मुंबई डालूँगा। पिन कोड मेरा 4000072 है, वो डालूँगा। अब यहाँ पे देखिए आपको ना आपका जो चेकबुक है वो स्कैन कॉपी आपको यहाँ पर रखना है, और जो मैं आपको बता दूँगा इसमें जो भी आप फॉर्मेट रहेगा ना वो ऑलमोस्ट एक 200 MB के अंदर होगा या 200 MB तक होगा। देखिए यहाँ मैंने इसको कन्वर्ट किया है चेक का कॉपी। ठीक है, ये सब आके आपको ना नीचे इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपको गेट आधार OTP दिखेगा नीचे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आपको OTP जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपको OTP आता है और आपको यहाँ पर ना आपका आधार है जो आधार कार्ड से नंबर आपका लिंक करना होगा, बैंक से भी आपका सेम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं लाइव आपको करके बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे गेट आधार OTP किया जो मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइम आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये लोगों का जो पोर्टल है काफ़ी सर्वर बिजी होता है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आप थोड़ा टाइम यहाँ पर रुकेगा, पैनिक मत होइएगा। यहाँ पर जैसे ही आपको OTP आता है आपको डाल के प्रोसीड करना है। मैं आपको बताता हूँ, अभी तक मुझे OTP आया नहीं है यहाँ पे, प्लीज़।
तो यहाँ पे गाइस देखिए ओटीपी आ गया है, यहाँ पे मुझे ओटीपी आया, मैंने डाल दिया है। यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी करना है, और जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका ऑनलाइन क्लेम हो गया है, ठीक है, ओटीपी हैज़ बीन वेरीफाइड। तो ये है, सिंपल है प्रोसेस, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्लिक करोगे पीडीएफ में फॉर्मेट आपको दिख जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस में आना, और ट्रैक क्लेम स्टेटस में आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 25 दिसंबर को हुआ है, यहाँ पे देखिए दिख रहा है, ठीक है। आज मैंने रिक्वेस्ट डाला है, ये मेरा लास्ट रिक्वेस्ट भी मैंने दिसंबर में डाला था, अभी मैंने वापस ऑनलाइन क्लेम डाला है। जैसे ये हो जाएगा तो यहाँ पे अपडेट आ जाएगा और आपको अकाउंट में आपके पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये 20 डेज लगा था मुझे लास्ट टाइम, मे बी आपको 7 डेज लग सकता है, 15 डेज हो सकता है, ये डिपेंड होता है। जैसे ये लोगों का सर्वर जैसे अपडेट होता है सिस्टम, वो वहाँ से क्लेम होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, एकदम सिंपल है। इस तरीके से आप ऑनलाइन जो है पीएफ के जो मनी है वो विदड्रॉ कर सकते हैं आपके अकाउंट में, ठीक है। तो आप मुझे बताइए और क्या आपको वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।